तो यार वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, BSNL वॉइस कॉल चार्जेस। आपके मन में थोड़ा सा सवाल आया होगा कि यार आखिर इस वीडियो के अंदर क्या है। तो सबसे पहले मैं वीडियो बनाने का पर्पस आप सभी को समझा देना चाहता हूँ। तो देखिए, आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था BSNL सिम जिंदा रखने वाले प्लान, जिसमें मेनली मैंने वैलिडिटी प्लान के बारे में आप सभी से डिस्कस किया था। और इसी में एक भाई हमारे प्रथमेश कालेकर और इनका एक क्वेश्चन आया है, क्वेरी आया था कि अगर 100 मिनट खत्म हो जाए तो फिर आउटगोइंग में क्या चार्जेस लगेंगे। मैंने बोला कि भाई अगर 100 मिनट्स खत्म हो गए तो आउटगोइंग बंद हो जाएगा, लेकिन आप चाहें तो उसमें टॉप अप करा सकते हैं, जिसमें नॉर्मली चार्जेस जो कटते हैं वो कटेंगे आउटगोइंग में। उनका रिटर्न में यही सवाल आया कि भाई कितने चार्जेस कटेंगे। मैंने बोला चलो इसके ऊपर एक वीडियो ही लेकर आ जाता हूँ। तो अब सवाल ये आता है कि अगर हम टॉप अप करा लेते हैं लाइक 10 रुपए का, 20 रुपए का, जिसको हम लोग मेन बैलेंस भी कहते हैं, और अगर इसमें हम लोग आउटगोइंग कॉल करें BSNL टू BSNL नेटवर्क, BSNL टू अदर नेटवर्क, तो कितना पैसा पर मिनट कटेगा। अब जब मैं बोलता हूँ आपको कितना पैसा पर मिनट कटेगा, तो काफी लोग यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप थोड़े नए जमाने के हो। अगर मैं पुराने जमाने की बात करूँ, जब 2G और 3G हुआ करते थे, उस टाइम में सारी चीजें अलग अलग हुआ करती थी। वॉइस पैक अलग हुआ करता था, यानी कि 10 रुपए 20 रुपए का वहां पे वॉइस पैक आप डला सकते थे। उसके लिए जो मोबाइल ऑपरेटर हैं, उस टाइम उतना नेट का जमाना नहीं था, एप्लीकेशंस नहीं थे, एंड्रॉइड फोन नहीं था, तो जो मोबाइल वाले भैया हुआ करते थे, यानी कि जो सिम वगैरह रिचार्ज करते थे, उनके पास जाना पड़ता था, या फिर स्क्रैच कार्ड मिला करते थे 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए का, उससे हम लोग जो है वो रिचार्ज करते थे। वॉइस पैक वहां पे हमारा डलता था, और हम लोगों को वहां पे ये देखना भी पड़ता था कि भाई कितने में कितना रुपए कटेगा। इसी के साथ डेटा के लिए भी हम लोगों को अलग से चार्ज देना पड़ता था, साथ में SMS के लिए भी अलग से पैसा वहां पर लगता था। तो इस तरीके से सारी चीजें अलग अलग थी, और हम लोगों को ये भी देखना पड़ता था कि अगर हम सेम नेटवर्क में बात करें तो कितना पैसा पर मिनट कट रहा है, अदर नेटवर्क में बात कर रहे हैं तो कितना पैसा कट रहा है। कुछ ऐसे प्लान्स थे जिसमें कि आपको कॉम्बो रिचार्जेस मिलते थे जो 100 रुपए के ऊपर के हुआ करते थे उसमें। बट हुआ क्या कि जब 4G आया ना, तो पूरा का पूरा डायनेमिक चेंजेस आ गया। जितने भी रिचार्ज प्लान्स थे, बहुत ही ज्यादा डायनेमिक चेंजेस आ गया। अब आपको कॉम्बो रिचार्ज देखने को मिलते हैं, जिसमें जनरली जितने भी वॉइस कॉल होते हैं वो अनलिमिटेड आउटगोइंग होते हैं, लोकल एंड STD। इसी के साथ आपको पर डे डाटा देखने को मिल जाता है। पहले तो 1 GB 30 दिन के लिए मिलता था, अब तो 1 GB आपको पर डे देखने को मिलता है। इसी के साथ 100 SMS पर डे आपको देखने को मिलता है, यानी कि सारा चीज कंबाइन कर दिया गया है, कॉम्बो रिचार्ज बोल लो या मल्टी रिचार्ज के फॉर्म में। बट अभी भी मैं बात करूं बाकी अदर टेलीकॉम कंपनीज एंड इवन BSNL, तो खासकर मैं BSNL की वीडियो है तो BSNL की बात करूंगा। इसमें अभी भी आपको टॉप अप मिलता है 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए का। तो अगर आप इसमें टॉप अप कराते हैं, तो अब सवाल वही अटक जाता है, मैं भाई को बताने में असफल रहा उस चीज को, कि अगर हम 10 रुपए 20 रुपए का जो है वो डला लेते हैं तो, क्योंकि देखो इतना दिन हो चुका है हम लोग कॉम्बो पैक डला रहे हैं जिसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल आ रहे हैं, तो जनरली हम लोगों का ध्यान नहीं है कि अगर हम टॉप अप में रिचार्ज करें 10 रुपए 20 रुपए का, तो हम लोगों को कितना पैसा पर मिनट कटेगा लोकल में STD में। इसके अलावा रेट कटर प्लान भी है, मैंने पिछली वीडियो बनाया था 19 रुपए का प्लान, जहां पे 20 पैसा पर मिनट हो जाता है रेट कटर में। नॉर्मली आउटगोइंग कॉल में अगर आप टॉप अप रिचार्ज करके अगर बात करते हैं 10 रुपए का 20 रुपए का 50 100 जितने का भी आप कराते हैं, जो कि मेन बैलेंस से आपका पैसा कटता है, वो अलग बात कर रहा हूं। मैंने पोल भी डाला हुआ था, उसमें भी काफी लोगों को नहीं पता इस चीज के बारे में। काफी लोगों ने बोला कि 60 पैसा पर मिनट करता है, काफी लोगों ने बोला 30 पैसा पर मिनट करता है। इवन मैंने गूगल में सर्च करके देखा, तो इस चीज के बारे में मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि कितना पैसा पर मिनट करता है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, अभी हम लोगों को BSNL में क्या क्या रिचार्ज प्लान देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे मल्टी रिचार्ज मिलता है, जिसमें आप लोगों को अनलिमिटेड वॉइस कॉल, पर डे डाटा, और इसी के साथ SMS पैक देखने को मिलता है। दूसरा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि है वैलिडिटी रिचार्ज, जिसमें कि मिनट्स आपको देखने को मिलते हैं 200 मिनट 300 मिनट। तो भैया मिनट्स वाले हैं तो आप समझ जाओ, 200 मिनट मिला है मतलब अगर आप 1 मिनट बात कर रहे हो किसी से, तो आपका 1 मिनट वहां पे कट जाएगा, यानी कि अब आपके पास बचा 199 मिनट। तो जितना मिनट बात करते जाओगे उतना मिनट वहां से कम होते जाएगा। तो ये हो गया मिनट कॉल, जो कि बहुत ही सिंपल है समझना। इसके अलावा होते हैं इंटरनेशनल रोमिंग कॉल्स, ये भी आजकल कॉम्बो में आते हैं। इसी के साथ आ जाता है टॉप अप, जो अभी भी चालू है BSNL में, जिसमें मेन बैलेंस। अच्छा, सबसे खास बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर मैं जियो, एयरटेल या वी का बात करूं और यहां पर BSNL का बात करूं, तो नॉर्मली अगर आप बात करना है या फिर आपको SMS भेजना है, आपके पास जीरो बैलेंस है या आपके पास डेटा पैक नहीं है, कोई भी पैक नहीं है, तो आप 10 रुपए का भी यहां पर रिचार्ज करा सकते हैं, जिसमें आप पोर्ट मैसेज भेज सकते हो या UPI रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जियो, एयरटेल या वी है, तो उसके लिए अगर आप टॉक टाइम डला लेंगे
उसमें 10 रुपए 20 रुपए का रिचार्ज करके आप मैसेज भेजेंगे तो उसमें मैसेज नहीं जाता। उसके लिए आपको कॉम्बो पैक ही डालाना पड़ेगा जिसमें आपको 14 दिनों के लिए 28 दिनों के लिए जो मिलता है 100 SMS पर डे उसी से ही मैसेज जाएगा। तो BSNL की एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि मेन बैलेंस अगर आप डलाते हैं 10 रुपए 20 रुपए का तो उससे ही मैसेज चला जाता है। अगर पोर्ट आप करना चाहते हैं तो उससे ही आपका मैसेज चला जाता है। इवन आप उसे 10 रुपए में थोड़ी देर के लिए इंटरनेट भी चला सकते हैं। इतनी अच्छी बात है कि उसमें आपका मेन बैलेंस जो है वो कट जाता है। इसी के साथ कॉल्स वगैरह भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी पैक नहीं है तो वो चीज थोड़ा सा अच्छा भी लगता है BSNL में। हो सकता है आप में से काफी लोगों को ये कंफ्यूजन लग रहा होगा लेकिन जो पुराने जमाने से यूज करते आ रहे हैं तो आपको ये सारी चीजों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से पता होगा। आपने डायनेमिकली चेंजेस देखे होंगे रिचार्ज प्लान में। अब इसमें मेन चीज आप लोगों को रिसर्च करने का काम दे रहा हूँ। आप लोग रिसर्च करो, कस्टमर के में पता करो कि अगर हम लोग BSNL में टॉप अप डला रहे हैं मेन बैलेंस तो अगर हम लोग नॉर्मल लोकल STD BSNL टू BSNL BSNL टू अदर अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं तो कितना पैसा पर मिनट कटेगा, ये टास्क आप लोगों के लिए है। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी। आई होप यू enjoyed दिस वीडियो और वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल से लाइक करना। चैनल पे नए आए हैं तो बिल्कुल से सब्सक्राइब करके जाना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना। मिलता हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।